लगा हुआ था यूट्यूब वाला, उसमें कल हम बताएंगे कि क्या ऑर्डर हुआ, क्योंकि शाम तक हमें ऑर्डर नहीं मिला था। बहुत बढ़िया सर। तो सुनना है कोई कुछ कहे, कुछ कहने दो, हमने अपना काम कर दिया है और ईमानदारी के साथ हमने अपना काम किया है। कानूनी हम लाइव नहीं आते, इसका मतलब ये कोई है कि भाई हमारी कलम, हमने लिखा कम्युनिटी भी आज जी, अगर हम खामोश है तो हमारी कलम खामोश नहीं है, वो हमारी जो कानूनी कलम है वो अपना काम कर रही है। और ये सब हम ना किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं, ना वाह के लिए कर रहे हैं, ये एक इंसानियत का काम है। और इंसानियत का काम जो होता है वो अपने रब की, अपने परमात्मा की, अपने खुदा की रजा के लिए होता है। जब इंसान अपनी नियत को ठीक करके कोई नेक काम करता है तो सारे रास्ते आसान होते हैं। अगर इंसान दिखावे के लिए कर रहा है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है, तो उसमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन कोई इंसान अगर इंसानियत का काम समझ के, और इसलिए कि भाई मेरा ये इंसानियत का काम करने से मेरा मालिक, मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया, भगवान ईश्वर परमात्मा, वो नेक काम करने से खुश होता है, तो जो कोई ऐसा समझ, ऐसी नियत से, अच्छी नियत से, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के काम करता है, तो उसमें उसकी खूब मदद होती है। आप देखो कि मैं आप सबको किसी को नहीं जानता था, दुनिया के किसी आदमी को नहीं जानता था जी, लेकिन मुझे तो लोग जानते थे, मैं पर्सनली नहीं जानता था किसी को। तो मतलब ये एक नेक काम हमने उन मासूम बच्चों के लिए स्टेप उठाया, जो उस एक, चाहे वो कहीं का भी इंसान है, चाहे वो भारत का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, दुनिया के किसी कोने का भी इंसान है, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है उसके लिए अगर हम खड़े हुए हैं, आप लोग पहले से खड़े थे, हम तो सबसे ज्यादा जूनियर है इस केस में। मैं तो कहता हूं कि इस केस में अगर कोई इंसान जूनियर है और सबसे बाद में जुड़ा है तो वो मोमिन मलिक जुड़ा है। मैं अपने आप को इस केस में सबसे जूनियर मानता हूं। आप सब लोग सीनियर है, पहले से सब लोग आवाज उठा रहे थे, पहले से इंसानियत की लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कानूनी हमारा भी हो गया, तो हम खुश नसीब है कि एक अच्छे कोज में हमारा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन हमारा ये बिल्कुल साफ नियत से, इसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। अगर आप देखते हैं कि हम लाइव भी नहीं आते, बहुत ही जरूरी होता तो आते हैं, तो जी जी बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि इंसानियत के लिए, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा हमें कोई लालच नहीं। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बहुत से लोग कम्युनिटी में बड़ा लंबा लंबा लिख रहे हैं, बहुत से कुछ कुछ लिख रहे हैं, लोग मुझे भेजते हैं, मुझे देखना पड़ता है जब भेजते हैं वो स्क्रीन शॉट करके, तो मैं ये कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जो है वो आप कोई जवाब ना दें, वक्त जवाब देगा, हमने अपना कानूनी काम सब किया हुआ है और आने समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है समय। जाते जाते उनके सवाल का जवाब भी क्लियर कर दीजिएगा, वो कहती है कि पाकिस्तान का केस यहाँ वो चल ही नहीं सकता है मेरी अदालत में। चलो कोई बात, चल गया ना भाई, नोटिस भी तो हो गया, नोटिस कितने केसेस में नोटिस हो चुका है, फैमिली कोर्ट ने नोटिस कर दिया, फैमिली कोर्ट जो होती है ना भाई वो सेशन कोर्ट होती है सेशन, और उसने आप क्या लगा रहे हो, क्या नाम आपका, बदरुल भाई, आप क्या लगा रहे हो कि जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने गुलाम हैदर के केस को ऐसे ही उठाया और ऐसे नोटिस कर दिया, ऐसे नोटिस कर दिया, नहीं नहीं, मुझे पूरा पता है, उस लेडीज को मुझे जवाब देना है, बताओ आपके, मतलब मैं उन्हीं को, आपके जरिए उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मुझे कम से कम भी 3-4 तारीखों पे, जब तक मेरा केस ही एडमिट नहीं हुआ, जब तक मैंने जज साहब के इतने सारे क्वेश्चंस थे उस केस पे, एक एक क्वेश्चंस लॉ के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मैंने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया, तब तक उनको नोटिस नहीं हुआ था। जब सब चीज क्लियर हुई उसके बाद ही नोटिस हुआ था। कंट्रोवर्सल करके कई लोग एकदम हवा बना के फ्रंट में आना चाहते ना, कई लोग कोई होते हैं, कई दिमाग होता है उनका। अच्छा अब आप देखोगे जैसे जैसे ये नजदीक काम आएगा, मैं आपको एक फोरकास्ट कर रहा हूँ, एक भविष्यवाणी पहले से कर रहा हूँ जी, कि जैसे जैसे ये काम नजदीक आएगा, गुलाम हैदर यहाँ आएगा, या ये बच्चों को जो कस्टडी वाली बात चलेगी, या बिल्कुल नजदीक मामला है,
तो आप देखोगे जिन लोगों के चैनल नहीं चल रहे हैं, जो लोग जो ना बिल्कुल लाइमलाइट में बिल्कुल पीछे चल रहे हैं, वो लोग अपने आप को वो केस से कोई लेना देना नहीं, मोमिन मलिक से कोई लेना देना नहीं, सीमा हैदर या गुलाम हैदर से कोई लेना देना नहीं, वो डायरेक्ट अटक करके वो लाइमलाइट में लास्ट में जब ये केस फाइनल होने वाला होगा और ये केस पीक पे होगा और पब्लिसिटी के बिल्कुल चरम सीमा पे होगा, तो वो लोग जो है डायरेक्ट हमला करके वो पीक लाइन में आने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादातर जो है मेरे पे हमला करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस उल्टे सीधे कर करके, उल्टे सीधे ब्लेम लगा करके। और सीमा हैदर भी अभी चुप है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ये केस क्लोज होने जा रहा है, वो जो है ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम लगा सकती है, उनकी साइड के लोग, उनके समर्थक लोग लगा सकते हैं कि जिन पे हम मतलब जैसे हवा में मछली उड़ा रहे हो, कोई ऐसी इस तरह की बातें, वो अनगर्ल बातें वो करेंगे, क्योंकि ये केस क्लोज की तरफ जा रहा है, बिगिनिंग हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, फाइनल की तरफ जा रहा है, हमने कर ही दिया है। अब जैसे गुलाम आएगा और सबसे पहले उसकी बच्चों की मुलाकात होगी, उसके बाद बच्चों की कस्टडी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और कोशिश करेंगे हम गुलाम के आने से पहले पहले इसको जेल कराएं, और नहीं भी हुई तो उसके आने के बाद होगी, होगी जरूर, ये बात मैं आपको बता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सबको कहा है कि कोई हमारे खिलाफ भी है, हम गलत शब्दों का प्रयोग किसी के प्रति नहीं करेंगे, उसका तर्क और वितर्क से जवाब जरूर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई आप देख रहे हो कि पहले क्या पोजीशन थी इसकी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो इसकी पहले और पहले की पोजीशन में और आपकी पोजीशन में खुद ही लोग अंदाजा कर सकते हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा। 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, ये मामूली बात नहीं है। जी जी, हमारे किसी समर्थक के खिलाफ आज तक मैंने, उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन मेरे समर्थक जो इस केस में है उसके खिलाफ मैंने आज तक जरा सी भी कार्रवाई नहीं होने दी। अगर उन्होंने कुछ की भी है तो मैंने उसको वही किल्ड किया है उस कार्रवाई को। मैंने अपने किसी सपोर्टर के खिलाफ FIR नहीं होने दी, और आप देखोगे उन लोगों के खिलाफ 24-25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो भी अपने हिंदुस्तानी भाई हैं, अगर वो अपनी गलती का सुधार करते हैं तो उसके बारे में हम विचार करेंगे कुछ ना कुछ। जी जी, आप अच्छा बोलते हो और आप मेहनत करते हो, लगे रहो, आपकी मेहनत एक दिन जरूर कामयाब होगी। मामला बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, और आप सब लोग, ये बदरुल साहब हैं, मैंने सुना एक दो बार इनको बोलते हो, अच्छा बोलते हैं, ये बहनें अच्छा बोलती हैं, डॉक्टर आबिद साहब, आप लोग सभी का धन्यवाद, सभी को एडवांस मुबारकबाद, आप अपनी इसमें लगे रहो मुहिम में। बस एक चीज का विशेष ख्याल रखें, ये लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको पिंच करने की कोशिश करेंगे, टीच करने की कोशिश करेंगे, किसी के भड़काव में नहीं आना, टीच नहीं होना और अपनी मेहनत करते रहना, बस किसी को गाली गलौच नहीं करना, अपने तर्क वितर्क से अपने जवाब देते रहना, बस ये सबसे बड़ी बात है।